हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप लोग? ऐसा कहूँ तो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक टीवी आया है और इसके सामने यानी इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे वाइट स्क्रीन हो चुका है और रिक्टिस लाइन यानी लाइन लाइन दाग आ रहा है, देखिए ठीक से। और इस पे वाइट पिक्चर हो चुका है, यानी कोई भी पिक्चर नहीं दिख रहा है, बस साउंड दिख रहा है और टीवी का जो स्क्रीन है ऐसे दिख रहा है, वाइट हो गया यानी सादा और इस पे लाइन आ रहा है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है और कैसे इसको रिपेयर करना है, पूरा जो प्रोसेस है आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी पॉइंट आप लोग मिस मत कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए इसका जो बैक कवर है, बैक कवर को मैं खोल दिया। अभी जो काम करना है, अभी एक ही काम करना है यानी फर्स्ट टाइम जो काम करना है वो है 110 सप्लाई, जो ST सप्लाई वोल्टेज होता है उसको मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे 116 वोल्ट अल्ट्रा स्लिम है, यहाँ पे 16 वोल्ट देता है, 15-16 वोल्ट देगा, चलेगा, सही वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ओके हमारा। अभी जो काम करना है आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो सेक्शन का फॉल्ट है, पिक्चर नहीं दिख रहा है, तो आपको 180 के लाइन पर वोल्टेज चेक करना चाहिए। 180 के लाइन पर कितना वोल्टेज चेक करना चाहिए? 150 होगा, 140 होगा तो भी चलेगा, 180 भी होगा, 90 भी होगा, 100 तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज दिख रहा है, 33 देख रहे हैं, 33 वोल्टेज दिख रहा है। इतना कम वोल्टेज में टीवी हमारा चलने वाला लाइन नहीं है, ये वाइट लाइन ही दिखाएगा। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मेजर करना है, इसको चेक करना है कि ये जो वोल्टेज है इतना कम वोल्टेज क्यों दे रहा है, 180 के जगह पे इतना कम वोल्टेज। इसके लिए देखिए मैं बेस बोर्ड में भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वही वोल्टेज बेस बोर्ड में जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए 33 वोल्टेज ही है, यहाँ पे एक वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, 34। दोस्तों ये ऐसी अगर कंडीशन आते हैं आप लोगों के सामने कि वीडियो सेक्शन में यानी वीडियो क्वालिटी जो पिक्चर होते हैं वो नहीं बन रहा है और आपका टीवी का स्क्रीन जो है वो वाइट हो चुका है और वाइट के साथ साथ रिटेक्स लाइन भी आएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम में आप लोगों को करना चाहिए, ये जो वोल्टेज मैंने बोला कि 180 का लाइन पे वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक किया वोल्टेज और यहीं पे प्रॉब्लम दिख गया। तो दोस्तों इतना कम वोल्टेज निकल रहा है, इसलिए मल्टीमीटर को क्वांटिटी रेंज पे सिलेक्ट कीजिए और जो लाइन यानी ST के पिन से डायोड तक जा रहा है वोल्टेज 180 के लाइन पर, उसको आपको क्वांटिटी रेंज पर रख के मेजर करना है कि यहाँ पर कितना ओम्स हो रहा है। यहाँ पर 0 ओम्स तक सो होगा, 1 ओम्स भी नहीं सो होगा, 0। तो देखिए यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ कितना ओम सो रहा है। तो देखिए कुछ भी नहीं हो, कभी कभी 0 सो रहा है और कुछ भी नहीं सो रहा है कभी कभी। ओके, कभी टच कर रहा है, कभी टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस कंडीशन में हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि इसके जो लाइन है, ये लाइन अंदर ही अंदर डैम्प होने की वजह से ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा क्रैक हो जाते हैं बोर्ड, इसलिए होता है। तो इस बोर्ड में हुआ है थोड़ा सा क्रैक, जो ध्यान से देखने में दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो अभी जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक जम्पर कर देंगे, यानी कुछ भी करके वायर, तो एक तार लगा देता हूँ और जम्पर कर देता हूँ, यानी 180 का जो ST का पिन है उस पिन के साथ डायोड के पिन में। तो देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ से डायोड का पिन में लगा दूंगा। ओके, अभी डायोड का पिन में लगा दूंगा इधर, और उधर से DC वोल्टेज निकल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा ध्यान से आप लोग देखिए कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा जो कुछ हो रहा है, आप लोगों के सामने हो रहा है, कोई भी फेक नहीं है, पूरा ओरिजिनल मिलेगा आपको, ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा इस चैनल पर आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आप लोगों को सामने मेजर करके दिखा देता हूँ कि अभी वोल्टेज बढ़े या 33 दिख रहा है, जो पहले 33 था। तो सप्लाई वोल्टेज वही है और यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ चुका है हमारा, 190 के आसपास आ चुका है, एक वोल्टेज कम है, 190 वोल्टेज आ चुका है। तो दोस्तों देख लिए आप लोग, बस एक लाइन थोड़ा सा क्रैक हो गया था, उसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए 190 तक वोल्टेज आ चुका है, एक वोल्टेज कम है 190 में। ओके, तो चलिए टीवी के स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन में जाके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज हमारा रेडी हो चुका है और वोल्टेज अगर रेडी हो गया तो पिक्चर भी अच्छा आना चाहिए, सिंपल बात है। तो देखिए यहाँ पे
फर्स्ट टाइम जैसे कर रहा था यानी ईस्टर्न वाइज रिलीज कर रहा था बटन दबा के, तो सामने छोटे छोटे बटन है तो उसको आप प्रेस कीजिएगा तो चालू हो जाएगा, रिमोट से भी होगा। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा पिक्चर आ चुका है यानी ब्लू बैक स्क्रीन आ चुका है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।